दोस्तों ये है टॉप थ्री थ्रिलर मूवीज जिनमें है कमाल की स्टोरी लाइन जो कि आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देंगी और इन मूवीज में है बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड सस्पेंस मिस्ट्री प्लस कोर्ट रूम ड्रामा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो नंबर तीन पर जो मूवी है इसका नाम है सॉल्ट बर्न। ये कॉमेडी थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को देखने के लिए आपको इंटरनेट पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मूवी में स्टोरी है ओलिवर क्विक नाम के एक लड़के की जो कि एक वर्किंग क्लास फैमिली से होता है और वो पढ़ता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्कॉलरशिप की वजह से। इस यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। इस वजह से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ओलिवर से दोस्ती नहीं करना चाहते। लेकिन फिर वो मिलता है फेलिक्स नाम के एक लड़के से जिसको देखते ही ओलिवर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। कुछ समय बाद इनकी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद फेलिक्स ओलिवर को अपने सॉल्टबर्न नाम के एक मेंशन में रहने के लिए बुलाता है। उसके बाद जो जो होता है इस मूवी में वो आपको पूरी तरीके से सरप्राइज कर देगा। मूवी के कुछ सीन बहुत ही ज्यादा अजीब है। मूवी का क्लाइमैक्स आपको पूरी तरीके से सरप्राइज कर देगा। इस मूवी में दिखाया गया है ऑब्सेशन, क्लास इनइक्वालिटी और बहुत ही ज्यादा डार्क ह्यूमन रिलेशनशिप्स को। तो इस मूवी को चेकआउट करना ना भूलें। तो नंबर दो पर जो मूवी है इसका नाम है जोडियक। ये क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर रेंट कर देख सकते हो। तो मूवी में स्टोरी है 1960s और 1970s के समय की और जो जगह दिखाई गई है इस मूवी में वो है सैन फ्रांसिस्को, जहां पर है एक सीरियल किलर जिसे कहते हैं जोडियक। और ये सीरियल किलर अपने आसपास के लोगों का पीछा करता है और अब इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेटर्स पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ताकि वो लोगों को जस्टिस दिला सके और जोडियक रियलिटी दुनिया के सामने ला सके। लेकिन इस बीच जोडियक एक के बाद एक लोगों को अपना शिकार बना लेता है और वो इन इन्वेस्टिगेटर्स को एक तरह से टीज करता है क्रिप्ट मैसेजेस और फोन कॉल्स के थ्रू। तो आगे की स्टोरी आप मूवी देखकर जानिए कि क्या ये इन्वेस्टिगेटर्स जोडियक को पकड़ भी पाते हैं या नहीं। नंबर एक पर जो मूवी है इसका नाम है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। ये भी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर इजीली देख सकते हो। तो मूवी में स्टोरी है सैमुअल नाम के एक आदमी की जिसकी मौत बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से होती है। वो अपने ही घर की ऊंची खिड़की से गिरकर मर जाता है जिसकी वजह से उसकी वाइफ सैंड्रा बन जाती है इस केस की प्राइम सस्पेक्ट। और इस केस का एक सोल विटनेस होता है जो कि होता है सैंड्रा का बेटा जो कि पार्शियली ब्लाइंड होता है। तो आगे की स्टोरी आप मूवी देखकर जानिए कि क्या असल में ये एक मर्डर होता है या फिर सैमुअल ने सच में अपने आप को खत्म कर लिया था। मूवी का थ्रिल धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है कोर्ट रूम ड्रामा की वजह से। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डीप होती है ऑडियंस को ये मूवी उतनी ही ज्यादा थ्रिलिंग और इंट्रीगिंग लगती है। और इस मूवी ने बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर भी जीता था। तो इस मूवी को चेकआउट करना ना भूलें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवीज रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब।